नमस्कार किसान साथियों, पुन्नी टुहाना में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ पुन्नी का एक नया थ्रेसर जिसका नाम है 5103। किसान साथियों, ये हाल ही में थ्रेसर नया अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है कंपनी ने। आइए आज आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसका जो हुक है वो एडजस्टेबल दिया गया है कि अपने ट्रैक्टर के मुताबिक आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो जहां पे इसकी पीटीओ लगती है वहां पे एक पुली दी गई है, जैसे दूसरे थ्रेसर के अंदर होता है वहां पे गेयर बॉक्स, लेकिन इसका गेयर बॉक्स पीछे की तरफ सेट किया गया है, यहाँ पे एक पुली दी है। हम ट्रैक्टर के आरपीएम के अकॉर्डिंग लगाते हैं इस पुली को। तो ये जो बोल्ट दिए हैं ये इसको बेल्ट को टाइट करने के लिए दिए गए हैं। दूसरी बात, इसमें एक खास बात है कि जब भी आपका कोई ट्रैक्टर चेंज करते हो या दूसरे ट्रैक्टर पे इसको चलाते हो तो आपको मात्र एक पुली चेंज करनी पड़ेगी, बाकी कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी। किसान साथियों, अगले अगर पॉइंट की बात करूँ तो ये इसका एलिवेटर है, ये कंबाइन की तकनीक पे बनाया गया है कि कभी भी आपका चोक नहीं हो सकता। अगले पॉइंट पर इसी में देखें तो आपका जो ये ग्राउंड क्लियरेंस है ये अदर थ्रेसर के मुकाबले बहुत अधिक दी गई है। इसका मतलब अगर आप कहीं पे भी जाओगे, एक खेत से दूसरे खेत या ट्रांसपोर्टेशन करोगे, तो ये नीचे लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इस थ्रेसर के अंदर अगर सबसे बड़ा आपको फायदा बताऊं तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इस थ्रेसर के अंदर सबसे बड़ी तकनीक जो यूज की है, इसकी जो झार है वो आप बिना किसी नट बोल्ट यानी बिना किसी टूल के चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने हाथ से और कम समय में। कैसे चेंज करनी है आइए दिखाते हैं आपको। ये ऐसे तीन बोल्ट इसके अंदर दिए जाते हैं, अभी मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ। ये ऐसे तीन बोल्ट इसमें लगेंगे, 1 2 3। ये तीन बोल्ट खोलने के बाद मात्र आपको इसको नीचे की तरफ करना है और उसके बाद जो ये झार है इसको आप हाथ से निकालना है। यानी के जब भी आप फसल चेंज करते हैं, जो दूसरे थ्रेसर होते हैं उसमें झार चेंज करने के लिए कई घंटों का आपको समय लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको कम से कम समय में और बड़ी आसानी से बिना किसी टूल के आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये झार निकली है ऐसे ही इसके नीचे वाली झार निकलेगी। और अगला पॉइंट इसका जो मैं बताऊँ आपको, जो झारना दिया है उसके ऊपर भी दो जाली लगाई गई है ताकि आपका अनाज है जो वो बिल्कुल साफ आपको आउटपुट मिले। उसकी जो धार है, जो उसकी झरनी है, वो भी आप बिना किसी टूल के चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, दूसरी साइड से सिर्फ एक नट खोल के, मात्र एक नट खोल के उसकी भी आप धार चेंज कर सकते हैं। किसान साथियों, ये इसकी सबसे बड़ी तकनीक है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो जो कंपनी अदर फसल निकालने के लिए आपको सामान मुहैया कराती है थ्रेसर के साथ में, जैसे जाल है, झार है, उसको रखने के लिए इस थ्रेसर के अंदर बकायदा स्पेस दिया गया है। कैसे रखना है वो आप देख पा रहे होंगे, जो जाल है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, जो झार है वो इसके नीचे लगेंगी। ये ऐसी ऐसी झार आपको साथ में दी जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसमें रखना है। जब चेंज करना है तो मात्र खोल के इसको चेंज करना है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ किसान साथियों, इसके अंदर जो टायर हैं वो 916 के रहेंगे, हब है जो वो ट्रॉली हब रखी गई है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसके अंदर ब्लोअर दिए हैं वो भी तीन ब्लोअर दिए गए हैं। अदर थ्रेसर के अंदर आप देखेंगे तो मात्र दो ब्लोअर होते हैं, ये तीन ब्लोअर आपको जो भूसा आता है उसके आउटपुट के लिए है। जो चौथे वाला ब्लोअर है ये आपके अनाज की सफाई के लिए दिया गया है, इसमें एक ब्लोअर एक्स्ट्रा दिया है ताकि आपका अनाज बिल्कुल साफ रहे और आउटपुट ज़्यादा रहे। जो इसके अंदर गेयर बॉक्स लगाया है ये भी 5402 FT में जो यूज होता है, रिवर्स गियर फैसिलिटी जिसे बोला जाता है, वो गियर का इस्तेमाल किया गया है। इस गियर का क्या बेनिफिट है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। किसान साथियों, इस गियर की मदद से जब आप इसको चलती हुई थ्रेसर को जब आप इसे बिल्कुल ऊपर उठाएंगे तो जितना भी माल वहाँ तक गया है वो पूरा का पूरा माल आपका वापस इस टोकरी के अंदर आ जाएगा। जब आप इसको नीचे दबाएंगे तो वापस अंदर चला जाएगा। किसान साथियों, एक बात और मैं आपको बता दूँ, कुछ किसानों के कमेंट आते हैं फिर वो जानकारी भी लेते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ही पूरी जानकारी दे देता हूं। यह थ्रेसर मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इससे आप गेहूं, सरसों, ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन
अरहर इत्यादि ऐसी कई तरह की फसलें आप इसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए जो जो सामान यूज होता है जैसे जाल और जार, वो कंपनी आपको साथ में प्रोवाइड कराएगी। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, जो इसकी बास्केट टोकरी है वो 5 फीट की है, जो इसका थ्रेसर ड्रम है वो 40 इंची है। इसके अंदर जो फीटर चैन यूज किया है वो भी डुप्लेक्स चैन के 4 सेट यूज किए गए हैं, 4 डुप्लेक्स चैने लगाई गई है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ किसान साथियों, जो इसका गेयर बॉक्स है वो यहाँ पे सेट किया गया है। गेयर बॉक्स के पास ही वेट व्हील है। वेट व्हील को आरपीएम देने के लिए गेयर बॉक्स के ऊपर डबल डबल पुली लगाई गई है और वेट व्हील के पास भी डबल पुली लगाई गई है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा किसान साथियों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने थ्रेसर के आरपीएम कम है और अधिक करने हैं, तो आपको मात्र इसे लूज करना है। इसके लूज होने के बाद आप बेल्टें को बदली कर देना, दूसरे वाली पुली पे लगा देना दोनों साइड से। इससे आपके थ्रेसर के आरपीएम में जो अधिक हो जाएंगे, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, मान लीजिए आप कहीं पे सरसों निकाल रहे हैं और दूसरे खेत में गए, वहां पे थोड़ी सी आपको गेहूं मिल गई। गेहूं निकालने के लिए जैसे आपको पूरी मशीन की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, जैसे जाल है झार है, इस थ्रेसर के अंदर आपको ज्यादा सेटिंग चेंज नहीं करनी। आपको झार मात्र बदलनी है, वो आप आसानी से बदल सकते हैं। उसके बाद आपको जाल बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी सेटिंग की मदद से यहाँ से सिर्फ यहीं पे एडजस्टिंग की मदद से तुरंत गेहूं निकाल सकते हैं, जिससे आपका कम समय लगेगा। और वापस फिर आपको अगर सरसों निकालनी है तो वापस उसी सेटिंग पे कर दीजिए, आप वापस से फिर सरसों निकाल सकते हैं। एक सेटिंग और इसके अंदर दी गई है किसान साथियों, जैसे ही आप इसके अंदर जाल चेंज करोगे किसी अदर फसल के लिए, तो आपको जैसे पहले देखा होगा थ्रेसरों के अंदर जब हम जाल चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है, ऊपर से कितना है, नीचे से कितना है, आगे पीछे कितना सेट करना है। इसमें ऐसी सेटिंग दी गई है कि जो आप लास्ट में जाल निकालोगे और दूसरा जाल जब जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे, वो जाल अपने आप उसी सेटिंग पे पहुंच जाएगा जो आपने लास्ट वाला जाल निकाला था। यानी आपकी कभी भी सेटिंग आउट नहीं होगी, आपको मात्र जाल चेंज करना है, सेटिंग नहीं चेंज करनी। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। अगले पॉइंट पर अगर मैं बढ़ूं किसान साथियों, तो जो वो पुली के बाद यहाँ पे फिर आपको एक पुली मिलेगी और वहां पे भी आपको डबल डबल बेल्टें दी गई हैं। इसमें 4 तरह की स्पीडें हैं जो भिन्न भिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न आरपीएम पे सेट की जाती हैं। सेट क्या करना, सिर्फ आपको पुली से बेल्टों को अदला बदली करना है और वहीं से आपके आरपीएम चेंज होते रहेंगे पीछे थ्रेसर के। जो इसका तीसरे वाला ब्लोर है वो बिल्कुल जहाँ पे अनाज के आउटपुट निकलती है उसके ऊपर दिया गया है, और इसी ब्लोर में एक तकनीक यूज की है कि जब आप खेत में काम करें और किसी कारण से मशीन आपका थोड़ा दाना दिखा देती है, दाना उठा लेती है, तो वो दाना पीछे जमीन पे नहीं जाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा। रुकने के बाद इसकी मदद से वापस आपके डस्ट एलिवेटर में आएगा और डस्ट एलिवेटर की मदद से वापस आपकी टोकरी में चला जाएगा। वापस फिर आपका दाना घूम के जहाँ पे दाने की आउटपुट निकलती है वहीं पे चला जाएगा। यानी कि किसान का नुकसान कम हो, ऐसी इसके अंदर तकनीक यूज की गई है। इसी में आपने देखा होगा किसान साथियों, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो धार है वो भी चेंज करना बहुत आसान है। जो पितनाले के ऊपर जो धार लगी होती है, ये एक बोल्ट से खोल के मात्र ये धारें ऐसे निकलेंगी और यहीं से वापस डल जाएंगी। तो किसान साथियों, ये था पुन्नी का 5403 नया थ्रेसर जो अभी लॉन्च हुआ है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।